हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे थे हमारी प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज और इसमें हम लोग फिलहाल देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की क्लास, दैट इज 9 AM की क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा हुआ था फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड, जहां पर सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मनी मार्केट के बारे में, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था हमारे कैपिटल मार्केट के बारे में, जहां पर हमने शेयर्स के बारे में बात किया था, बॉन्ड्स के बारे में बात किया था, एंड मनी मोर थिंग्स वर डिस्कस देयर। बहुत सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की क्लास देखेंगे। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स रेस करने के लिए। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल विच इज बींग गिवन इन टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसके अलावा दिस आर अवेलेबल कोर्सेस, जिसको आप लोग अपने प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल क्लासेस एज वेल एज मेंस स्पेशल क्लासेस। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज फॉर योर बेटर इवेल्युएशन। दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो देखिए, हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात किया हुआ था, एंड व्हाट वी हैव डिस्कस्ड लास्ट, एंड दिस वाज द स्लाइड वी वर डिस्कसिंग। तो हम लोग इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट के बारे में बात कर रहे थे, जहां पर हम लोगों ने पहले प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात किया था, फिर हम लोगों ने गिल्ड टेक सिक्योरिटी के बारे में बात किया था। कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंडियन कैपिटल मार्केट में प्लेयर्स कौन कौन से हैं। तो देखिए, यहाँ पर बेसिकली टू प्लेयर्स होते हैं। एक होते हैं जो मर्चेंट बैंक होती है और दूसरी होती है जो म्यूचुअल फंड्स होती हैं। मर्चेंट बैंक का मतलब मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में ही हालांकि बता दिया था कि दोज बैंक्स और दोज इंस्टीट्यूशंस, जो भी ये इंस्टीट्यूशंस है या बैंक्स हैं, जो कि अपार्ट फ्रॉम दिस बैंकिंग एक्टिविटी ये अलग से कंपनीज को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं, इस कंसल्टेंसी के बदले ये कुछ फी चार्ज कर रहे होते हैं, और इस तरीके की बैंकिंग एक्टिविटी को हम लोग बोलते हैं क्या, मर्चेंट बैंक। मतलब कि जो भी कॉरपोरेट का बैंक होता है उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक मर्चेंट बैंक है। तो इट मैनेज, अंडरराइट न्यू इश्यूज, प्रोवाइड कंसल्टेंसी एंड कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रेजिंग फंड एंड अदर फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। एग्जाम्पल के तौर पे ICICI हो गई, जो कि आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। सिमिलरली HDFC हो गई, ये भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट SBI और PNB भी आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे के सारे भी मर्चेंट बैंक के रूप में आ जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग के रूप में फिलहाल मेहुल चौकसी को डायमंड माइनिंग के लिए या फिर डायमंड की ट्रेड के लिए PNB ने लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग दी थी। इट वॉज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मर्चेंट बैंकिंग, जहां पर इनको ये कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है मर्चेंट बैंक के बारे में? चलिए खैर, नेक्स्ट हमारा आता है म्यूचुअल फंड के बारे में। तो म्यूचुअल फंड के बारे में अगर बात करें तो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था NBFC के बारे में। तो देखिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस कुछ कंपनीज होती हैं जो कि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होती हैं। तो दीज आर रजिस्टर्ड इन द कंपनी एक्ट। पैसा रेस करने के लिए ये कंपनी करती क्या है, ये म्यूचुअल फंड जारी कर देती हैं। म्यूचुअल फंड्स ये जारी कर देती हैं। इस म्यूचुअल फंड में NBFC अलग अलग सेक्टर में काम कर सकती है। कोई कंपनी हो सकता है कि शेयर में काम करती हो, शेयर ट्रेडिंग में काम करती हो, कोई कंपनी हो सकता है कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स को खरीदने में काम करती हो, कोई कंपनी रियल इस्टेट में काम कर सकती है, या कोई कंपनी अदर सेक्टर में किसी में काम कर सकती है। जब भी ये म्यूचुअल फंड से पैसा जो भी रेस करेंगे, इस पैसा को ये आगे इन्वेस्ट कर देंगे। दे इन्वेस्ट इन सम सिक्योरिटीज, और इन्वेस्ट करने के बाद जो भी रिटर्न आएगा उस रिटर्न की अपनी एक कमीशन ले लेंगे, और कमीशन के बाद बाकी की जितनी अमाउंट होती है वो पूरा का पूरा दे दिया जाएगा जो भी म्यूचुअल फंड का होल्डर है। एंड दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर नोन एज NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस। अब देखिए, जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा म्यूचुअल फंड की कह लीजिए रिटर्न। तो यहां पर शेयर ट्रेडिंग वाले का सबसे ज्यादा रिस्क आती है और सबसे ज्यादा इसका रिटर्न भी आता है, और सबसे कम जो आती है वो गवर्नमेंट में आती है, क्योंकि गवर्नमेंट वाला सबसे ज्यादा सिक्योर होता है। तो यहां पर आपको डरने की कोई बात नहीं होती है। बट स्टिल आप भी देखे होंगे, काफी ज्यादा टीवी में एड आते रहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर रिस्की असेट, ठीक है। तो ये मार्केट कंडीशंस के साथ होता है, अकॉर्डिंग होता है, अलाइंड होता है। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल व्हीकल मेड अप ऑफ पूल ऑफ मनी। तो देखिए क्या हो रहा है, पूलिंग की जा रही है यहां पे मनी की। तो दिस इज बेसिकली पूलिंग ऑफ मनी कलेक्टेड फ्रॉम मेनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स
एंड अदर असेट, तो इस तरीके की चीजें हो जाती हैं जो म्यूचुअल फंड में हो जाती हैं। अगर हम लोग देखें थोड़ा सा कि म्यूचुअल फंड के और टाइप क्या क्या है, तो देखिये देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स लाइक ओपन एंडेड फंड्स और दूसरी होती है जो क्लोज एंडेड फंड्स होती हैं। तो जो ओपन एंडेड फंड्स होती हैं वहां पे इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल एज एंड व्हेन दे इंटेंड टू। यहां पर क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर मतलब कि जो एनबीएफसी वाला बंदा है वो अपने मन मर्जी से जहां चाहे वहां पर ये इन्वेस्ट कर सकता है जो भी म्यूचुअल फंड की धनराशि आई हुई है, जो भी यहां पे फंड आया हुआ है, कैपिटल आया है, उसको ये इन्वेस्ट कर देगा। दिस इज ओपन एंडेड फंड्स होती हैं। इसमें होता क्या है कि कुछ परसेंटेज ये अपने शेयर्स में लगा देंगे, कुछ परसेंटेज ये अपने रियल इस्टेट में लगा देंगे, कुछ परसेंटेज ये कंस्ट्रक्शन में लगा देंगे, कुछ परसेंटेज ये कहीं और लगा देंगे। तो इस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में ये इन्वेस्ट कर देते हैं, और इन्वेस्ट करने के साथ अगर मान लीजिए कोई भी एक सेक्टर से अगर इनको घाटा आता है तो बाकी सेक्टर से ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से इसे कंपनसेट किया जा सके, एंड दैट इज हाउ दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके से जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग ओपन एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड्स क्या होती हैं? यूजुअली इश्यू यूनिट टू इन्वेस्टर्स ओनली वंस व्हेन दे लॉन्च एंड ऑफर न्यू ओपन फंड्स। इसमें होता क्या है कि इस तरीके की जो चीज होती है वो बेसिकली इन्वेस्टर्स के द्वारा की जाती है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि दे ओपन, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए एक बार ओपन होती है, एक बार ओपनिंग आती है, एंड ऑन दिस ओपनिंग अगर ये इन्वेस्ट कर देते हैं तो इनका अमाउंट अब फ्रीज हो जाता है। अब फ्रीज होने के बाद ये कहीं ना कहीं जो होता है इन्वेस्टमेंट हो रखी है, इस इन्वेस्टमेंट का जब रिटर्न आएगा तब जाकर के ये क्लोज एंडेड फंड्स में आ जाएंगे। क्लियर हो गया? तो ये चीज होती है न्यू फंड ऑफर। हालांकि इतना कुछ खास नहीं है, आप इसको बोल मतलब कह सकते हैं कि इसको स्किप भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट मच हैविंग इंपॉर्टेंस इन आवर सिविल्स एग्जामिनेशन। ठीक है, ये तो मैंने बस इंट्रोड्यूस करने के लिए आप लोग को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, इसके बाद आती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट आप लोगों ने कई बार नाम भी सुना होगा, भारत 22। ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इसके बारे में आप समझ लीजिए कि दिस इज अ ईटीएफ, दिस इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। समझिए ध्यान से, अब हमारे पास पीएसयूज है, पीएसयूज हमारे पास नंबर ऑफ पीएसयूज है, जैसे कुछ का नाम मैं लिख देता हूं, सपोज ओएनजीसी हो गई, आईओसीएल हो गई, बीपीसीएल हो गई, ठीक है, इसके बाद एचएएल भी मान लेते हैं कि है, अभी मान लीजिए इसकी नीलामी नहीं हुई है, कोल इंडिया लिमिटेड मान लेते हैं, और एक और कोई ले लेते हैं सपोज एएआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ पीएसयूज जो कि अलग अलग सेक्टर में काम कर रही होती है, जैसे ओएनजीसी ये ऑयल एंड नेचुरल गैस मतलब ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट में काम कर रही है, आईओसीएल पेट्रोलियम में काम कर रही है, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम ये भी पेट्रोलियम में काम कर रही है, एचएएल एरोनॉटिक्स में काम कर रही है, CIL कोल में काम कर रही है, एयरपोर्ट अथॉरिटी कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है। तो इस तरीके से ये कंस्ट्रक्शन में काम कर रही है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग है। अगर इसके शेयर प्राइजेस के बारे में बात करें तो देखिए कुछ शेयर्स तो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं लेकिन कुछ के शेयर्स काफी ज्यादा घाटे में है। जैसे अगर बात करते हो ONGC काफी फायदे में है, IOCL काफी फायदे में है, BPCL कूल है, HAL ये लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, CIL लॉस मेकिंग कंपनी है, AAI एवरेज कंपनी है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ स्टॉक्स आर देयर फॉर डिफरेंट पीएसयूज। अब यहां पर जो ONGC जो अच्छा कर रही है वो लगातार अच्छा ही करते जाएगी क्योंकि इसके जो बॉन्ड्स है मतलब इसके जो शेयर्स हैं कंटिन्यूअसली सेल होते जा रहे हैं। सिमिलरली IOCL और BPCL के साथ भी केस है, लेकिन यहां पर पैसे की रिक्वायरमेंट किसको है? रिक्वायरमेंट है बेसिकली HAL और CIL को, क्योंकि इनके पास में ये लॉस मेकिंग कर रही है तो इनको पैसे की जरूरत है। लेकिन इनके शेयर भी कंटिन्यूअसली गिरते जा रहे हैं और गिरते जाने के कारण ये लेस अट्रैक्टिव हो रखे हैं, मतलब यहां पर कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा है, और लेस अट्रैक्टिव होने के कारण इनके पास फंड्स भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो इन्हीं के पास है क्योंकि इन्हीं को जरूरत है और इन्हीं को पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने बंडलिंग कर दी। बंडलिंग जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मॉल्स वगैरह में चले जाइए, वहां पर कुरकुरे का भी एक पैकेट पड़ा होता है और साथ में एक बंडल भी पड़ा होता है जहां पर नंबर ऑफ पैकेट्स होते हैं उसमें और अलग अलग वैरायटी के होते हैं। तो उसमें होता क्या है कि जब भी मॉल्स वगैरह वाले कोई सामान बच जाता है या खत्म नहीं हो पाता है या लेस अट्रैक्टिव रहता है तो दे बंडल्स ऑफ दैट गुड्स और अल्टीमेटली उसको कुछ प्राइस रिड्यूस करके मार्केट में लॉन्च कर देते हैं जिससे उसकी काफी ज्यादा कह लीजिए अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो लोग क्या कहते हैं, सोचते हैं
सस्ते में मिल रहा है तो चलो भाई कुछ इसमें बढ़िया भी होगा कुछ गड़बड़ भी होगा, दोनों सामान निकल गया, दोनों खुश, कस्टमर भी खुश हो गया क्योंकि उसको सस्ते में मिल गया और जो हमारे मॉल वाले हैं वो भी सस्ते में मतलब जो सामान उनका बच गया था वो सारा सामान वो निकाल दिए। सेम केस यहाँ पे PSU में भी है, यहाँ पर गवर्नमेंट बंडलिंग कर देती है। अब मान लेते हैं यहाँ पर 6 PSUs को लिखे गए, 6 PSUs के जो भी शेयर्स हैं इन शेयर्स की बंडलिंग कर दी जाएगी और अब ये ETF के फॉर्मेट में मार्केट में शेयर लॉन्च हो जाएगी इसकी। अगर आप ONGC IOCL खरीदना चाहते हैं तो आप न चाहते हुए भी BPCL, HAL, CIL और AAI के भी शेयर आपको खरीदने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब ये बंडलिंग हो रखी है और इस बंडलिंग को गवर्नमेंट ने नाम दिया है भारत 22। क्लियर हो गया क्या चीज है ETF? तो ETF इज बेसिकली क्या है, मिक्स ऑफ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड स्कीम। ETF लाइक क्लोज एंडेड स्कीम आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑन डेली बेसिस बट द प्राइस इज यूजुअली वेरी क्लोज टू अंडरलाइंग एसेट। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से इसकी प्राइस बढ़ रही घट रही होती है। इस बंडलिंग में क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, और इस बंडलिंग में क्या होता है कि जितने भी शेयर्स होते हैं सबका एक परसेंटेज होता है एंड अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज जो भी रिटर्न आ रही होती है या कह लीजिए जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही होती है वो इन कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो यहां पर बेसिकली जो शेयर की प्राइस लगी है वो परसेंटेज में लगी है और इस तरीके से लोगों को पैसे मिल जा रहे होते हैं। ETF क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ फंड्स आ जाते हैं। अब हम लोग थोड़ा फंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारे पास देखिए नंबर ऑफ फंड्स आ जाते हैं। इस फंड में हमारे पास दो तरीके के फंड हो सकते हैं। एक फंड हो सकता है जो आप इन्वेस्टर्स मतलब कि जो काफी पैसे वाले लोग हैं और यही काम ही है उनका, उनसे आप जो है रेस कर रहे होते हैं, और दूसरा होता है जो आप जनरल पब्लिक से रेस कर रहे होते हैं। तो जनरल पब्लिक से रेस करने का मतलब तो हम लोगों ने देख ही लिया, कैसे शेयर के फॉर्मेट में हम लोगों ने देख लिया, डिबेंचर के फॉर्मेट में हम लोगों ने देख लिया, हम लोगों ने ETF देख लिया, हम लोगों ने म्यूचुअल फंड देख लिया। तो दीज आर सम ऑफ द मेथड्स जिससे जनरल पब्लिक से फंड रेस किए जाते हैं। अब ये दूसरा इशू आ जाता है हमारा, दूसरा तरीका आ जाता है जहां पर हम लोग इन्वेस्टर से रेस करते हैं पैसा। इस पैसे रेस करने में हमारे पास नंबर ऑफ तरीके हो जाते हैं, जैसे एक होता है जिसको बोला जाता है हेज फंड, दूसरा होता है वेंचर कैपिटलिस्ट, सिमिलरली होते हैं एंजल इन्वेस्टर, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड नंबर मोर ऑफ देयर। हम लोग एक एक करके जरा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आप देखेंगे हेज फंड्स के बारे में, तो हेज फंड इज एन इन्वेस्टमेंट फंड दैट पूल कैपिटल, ठीक है, ये पूल कैपिटल फ्रॉम एक्रेडिटेड इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एंड इन्वेस्ट इन अ वैरायटी ऑफ एसेट। तो ये भी क्या करते हैं, इन्वेस्टर से, जैसे कि ये मान लेते हैं कि हेज फंड है, यहां से इन्वेस्टर से ये पैसा रेस किए, इन्होंने इन्वेस्टर से पैसा रेस किया और फिर अल्टीमेटली कहीं ना कहीं पर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन वैरायटी ऑफ एसेट्स ऑफन विद कॉम्प्लेक्सिटी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक एंड दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन। अब जब आप सरफेशियल इसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि हेज फंड इज नॉट बट अ म्यूचुअल फंड, ये तो म्यूचुअल फंड ही है क्योंकि आप देखेंगे म्यूचुअल फंड में भी क्या हो रहा था, बस आप इसको रिमूव करके यहां पर जनरल पब्लिक लगा दीजिए और यहां पर लिख दीजिए म्यूचुअल फंड, बात तो एक ही हो गई। तो देखिए यहां पर म्यूचुअल फंड और हेज फंड में देयर इज अ डिफरेंस, डिफरेंस यही है हेज फंड प्योरली इन्वेस्टर्स का होता है और यहां पर ज्यादा रिस्क टेकिंग कैपेसिटी हो जाती है, जबकि म्यूचुअल फंड ये जनरल पब्लिक के लिए होता है और ये कम रिस्क टेकिंग कैपेसिटी में होते हैं। यहां पर म्यूचुअल फंड रेगुलेटेड होता है, हेज फंड रेगुलेटेड नहीं होता है एंड दिस इज हाउ द थिंग गोज ऑन। यही आपको एक क्लैरिटी रखनी होगी हेज फंड और म्यूचुअल फंड में। तो आप सरफेशियल देखेंगे तो देयर इज नो एज सच बिग डिफरेंस, बट स्मॉल अगर स्केल पे देखेंगे, माइक्रो स्केल पे देखेंगे तो देयर इज अ डिफरेंस, अ डिफरेंस इज ऑफ कि कितना ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ले सकते हैं और इसकी रेगुलेशन कैसी है। तो दिस इज हाउ द हेज फंड इज। क्लियर हो गया क्या चीज है? आगे बात करते हैं हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में या वेंचर कैपिटल के बारे में। अब देखिए ये भी सेम चीज ही है, वेंचर कैपिटल। यहां पर क्या होता है, जैसे सपोज आपका एक स्टार्टअप है, मान लीजिए आपने एक स्टार्टअप ओपन किया, स्टार्टअप है, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी चीज होती है गेट द फाइनेंस या गेट द फंड्स। तो ये फाइनेंस कराने के लिए, फंड्स लेने के लिए एक ऑप्शन तो बैंक का है, बट बैंक में प्रॉब्लम क्या है कि इनको कंटिन्यूअसली
इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अदरवाइज आप एक भगोड़े, आप एक डिफॉल्टर करार दे दिए जाएंगे। तो अब स्टार्टअप क्या करती हैं, ये अप्रोच करती हैं जितने भी वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, या फिर एक और दूसरा टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर, फर्स्टली वी विल सी वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर हम लोग देखेंगे एंजल इन्वेस्टर क्या होते हैं। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब हो गया कि कुछ लोगों का ग्रुप है जो बड़े पैसे वाले हैं और वो पैसा दे रहे होंगे स्टार्टअप में। एक्चुअल में क्या होता है, वेंचर कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ पीपल होते हैं, मतलब कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं जो जिनके पास पूल किया हुआ अपना एक फंड होता है, और ये फंड से ये करते क्या है कि इस फंड से जो भी स्टार्टअप्स होते हैं उन स्टार्टअप को पैसा दे रहे होते हैं, मतलब फंड कर रहे होते हैं। इस फंड करने में स्टार्टअप से कुछ इक्विटी ले लेते हैं और इक्विटी के जरिए ये लोग अपना प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो ग्रुप ऑफ पर्सन है इनकी ओनरशिप किस किस कंपनी में है, तो देखिए इनकी ओनरशिप कई सारे कंपनी में हो सकती है, भले वो 8-10% की ही हो, लेकिन हर एक कंपनी में इनकी ओनरशिप हो रखी होती है, और इस तरीके से ये अपना प्रॉफिट कमा भी रहे होते हैं और कंटिन्यूअसली दूसरों को इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो इसको बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट इक्विटी। समझ में आ गया क्या है प्राइवेट इक्विटी, अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय फर्म्स और फंड्स टू स्मॉल अर्ली एज इमर्जिंग फर्म्स, यानी स्टार्टअप दैट आर डीम्ड टू हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल एंड विच हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड हाई ग्रोथ। तो ये क्या है, इनको अपना डिमॉन्स्ट्रेशन अपना का बताना पड़ेगा स्टार्टअप के बारे में, एंड देन ओनली द वेंचर कैपिटलिस्ट जितने भी लोग होते हैं वो अपने इस फंड के जरिए, अपने इस वेंचर कैपिटलिस्ट के जरिए स्टार्टअप को फाइनेंस कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए एक दूसरी चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर में क्या है, देखिए वेंचर कैपिटलिस्ट में हम लोगों ने देखा कि यहां पर ग्रुप ऑफ पर्सन है जो अपना एक फंड बना करके रखे हुए हैं, इस फंड के बेसिस पे ये स्टार्टअप को फंड कर रहे होते हैं। लेकिन सपोज यहां पर सिंगल पर्सन है और सिंगल पर्सन क्या कर रहा है कि अपनी फंडिंग, मतलब कि अपना जो भी पैसा है, जो भी इसके पास कैपिटल है, इससे ये स्टार्टअप को हेल्प कर रहा है। तो इस तरीके की जो चीज होती है उसको बोलते हैं हम लोग एंजल इन्वेस्टर। एंजल इन्वेस्टर ये हो जाती है एंजल इन्वेस्टर। क्लियर है। अब देखिए इस बंदे के बारे में अगर बात करें तो देखिए ये बंदा अपना खुद का भी कुछ बिजनेस करता है, जैसे मान लेते हैं इलॉन मस्क है, ठीक है, इलॉन मस्क द रियल आयरन मैन, इलॉन मस्क मान लेते हैं, ये अपना खुद का भी स्पेसएक्स कंपनी चला रहे होते हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे होते हैं, बट इलॉन मस्क इन्वेस्ट भी कर रहे होते हैं नए स्टार्टअप्स में। तो ही हैज ओन बिजनेस एज वेल एज ही इज एन एंजल इन्वेस्टर। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो इस तरीके से अपना पैसा कमा भी रहे होते हैं और पैसा दान भी दे रहे होते हैं। एक्चुअल में दान नहीं है, बिकॉज ये स्टार्टअप की इक्विटी भी ले रहे होते हैं। तो जो भी स्टार्टअप पोटेंशियल वाला दिखता है उसमें ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और अकॉर्डिंगली दे गेट द बेनिफिट। क्लियर हो गया। तो इट इज ही और शी, देखिए सिंगल पर्सन इसीलिए लिखा गया है, इज एन इफ्लुएंट इंडिविजुअल हु प्रोवाइड कैपिटल फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप यूजुअली इन एक्सचेंज फॉर कन्वर्टिबल डेट और ओनरशिप ऑफ इक्विटी। तो इस तरीके से ये अपना कैपिटल जनरेट कर रहे होते हैं। तो वेंचर कैपिटल, हेज फंड एंड एंजल इन्वेस्टर। क्लियर हो गया तीनों क्या चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखेंगे तो कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स आ जाती हैं। कुछ खास नहीं है, देखिए जितनी भी चीजें हम लोगों ने यहां पर बात की हैं, चाहे वो हेज फंड हो, चाहे वो हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट हो, चाहे हमारा एंजल इन्वेस्टर हो, इन तीनों को ही हम लोग जब भी प्रमोट करते हैं तो प्रमोट करने का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स। तो इट इज एन अरेंजमेंट विच पूल्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर टू पूल देयर मनी फॉर एन इन्वेस्टमेंट इन अ पर्टिकुलर असेट। तो इसको रेगुलेट करने के लिए सेबी रेगुलेट कर रहा होता है इस पूरे के पूरे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम को। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब आगे देखते हैं, हमारे पास कुछ और फंड्स आ गए हैं, जैसे एक होता है जिसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड बोला जाता है, इसके बारे में जरा देख लेते हैं। और देखने से पहले मैं आपको अगेन एक केस स्टडी समझा देता हूं। सपोज जैसे मान लीजिए दिस इज अ रियल इस्टेट सेक्टर, यह हमारा मान लेते हैं कि रियल इस्टेट सेक्टर है, यह लॉस मेकिंग है, ठीक है। अब लॉस मेकिंग को उबारने के लिए, लॉस मेकिंग को बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे, वन ऑप्शन इज गो टू द बैंक और बैंक से फंड लेकर के, बैंक से लोन लेकर के आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन बैंक की अपनी खुद की एनपीए प्रॉब्लम है और बैंक की एनपीए प्रॉब्लम इसी हाउसिंग के जरिए स्टार्ट भी हुई है,
तो बैंक वाला तुरंत मना कर देगा, कहेगा हम नहीं देंगे। तो आपके पास ये बैंक वाला ऑप्शन ये कट गया। अब आप क्या करेंगे, सरकार के पास जाएंगे, गवर्नमेंट के पास जाएंगे और कहेंगे देखो यार हमें रियल इस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और रियल इस्टेट में देखिए कि फंड नहीं आ पा रहा है। तो गवर्नमेंट कहेगी यार चलो ठीक है हम ही कर देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कहेगी यार हमारे पास भी बहुत दिक्कत है यार, जीएसटी लॉन्च कर दिए हैं, डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट अभी तक आ रहा है, फिर उसके बाद कोविड 19 टाइप की चीजें आ जा रही हैं, मेरे पास भी इस समय आपको फिलहाल फंड करने के लिए पैसा नहीं है। अब क्या करे रियल इस्टेट वाला, अब ये क्या करता है कि एक गवर्नमेंट से कहता है कि चलो ठीक है आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास एक बहुत बड़ी चीज है वो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। आप क्या करिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनको बोल दीजिए कि हम लोग एक अलग से एक एक्स्ट्रा फंड बना रहे हैं और उस फंड का काम होगा कि रियल इस्टेट सेक्टर को पैसे देना, इन्वेस्ट करना, और इस फंड के जरिए आप रेस कर सकते हैं हाउसिंग के लिए, और बाकी जो भी कुछ होगा, जो भी इक्विटी, जो भी शेयर देना होगा वो मैं देख लूंगा। ये बता दिया इस रियल इस्टेट के सेक्टर ने, गवर्नमेंट ने कहा यार बड़ा अच्छा बात है, ना तो मुझे पैसा देना पड़ रहा है ना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन हमारी इकोनॉमी कंटिन्यूअसली ग्रो कर जाएगी अगर इस तरीके का फंड बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस फंड का नाम क्या दे, तो देखिए ये फंड बाकी के फंड से अल्टरनेट बेसिस पे स्टार्ट किया गया है, नाम ही इसीलिए दे दिया गया इसको अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। तो इट इज अ न्यूली क्रिएटेड इन्वेस्टमेंट व्हीकल फॉर रियल इस्टेट, प्राइवेट इक्विटी एंड हेज फंड। से ये क्या करती है, सेबी इसको रेगुलेट कर रही होती है, देख रही होती है, क्योंकि सीधी सी बात है फंड इज फंड और यहां पर स्कैम होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है, मतलब यहां पर कोई बाहर के लोगों से, मतलब कि जनरल पब्लिक से पैसा रेज नहीं किया जाता है, मतलब दिस डज नॉट इंक्लूड म्यूचुअल फंड और फैमिली ट्रस्ट और इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन या बाकी कोई भी चीज है, तो ये सब नहीं होती है। दिस इज इंडिपेंडेंट फंड और बाहर के लोगों से इस तरीके की इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे पैसा उठाया जाता है। जैसे फिलहाल अगर बात करें करंट अफेयर्स में, अगर आपने फॉलो किया होगा तो 25,000 करोड़ रुपीज का एक फंड बनाया गया है अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, सो दैट हाउसिंग की सेक्टर जो लॉस मेकिंग हो रही है उसको हम लोग बाहर निकाला जा सके। तो जब भी किसी नए सेक्टर में, जैसे मान लीजिए ऑटोमोबाइल सेक्टर है सपोज, वहां पर पैसे नहीं आ रहे हैं, तो अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड एक बना दिया जाएगा जिससे कि वहां पर, मतलब ऑटोमोबाइल सेक्टर में फंडिंग आना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया क्या चीज है? ओके, अब इसके बाद से छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे आ जाते हैं, लाइक क्वालिफाइड इन फॉरेन इन्वेस्टर। कुछ नहीं है, देखिए क्वालिफाइड इन्वेस्टर में क्या होता है कि हमारे पास कुछ इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफॉल्टर टाइप के होते हैं। डिफॉल्टर कहने का मतलब कि वो डिफॉल्टर होते हैं, या तो लोन नहीं चुकाए रहते हैं या फिर उनके पास एक एलिगेशन रहता है कि इन्होंने टेरर फाइनेंसिंग करके रखी हुई है। तो टेरर फाइनेंसिंग या फिर मनी लॉन्ड्रिंग, इन सब के केसेस अगर किसी पे नहीं रहते हैं उसको बोला जाता है क्वालिफाइड इन्वेस्टर। ये बंदा है तो ही इज हैविंग अ टैग ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टर, और इस तरीके के लोग जब भी कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इट इज अ इंडिविजुअल ग्रुप और एसोसिएशन रेजिडेंट इन अ फॉरेन कंट्री दैट इज कंप्लायंट विद एफएटीएफ। तो ये एफएटीएफ जो होती है वो यूएस की है, अभी हम लोग एफएटीएफ के बारे में बात भी करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये ध्यान रखिए एफएटीएफ बेसिकली चेक करता है कि कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं कर रहा है या फिर टेरर फाइनेंसिंग तो नहीं ना कर रहा है। तो इसके जरिए ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इन सब चीजों में डाला जाता है अलग अलग कंट्रीज को, अलग अलग बंदों को। क्लियर हो गया क्या चीज है? दे कैन डायरेक्टली इन्वेस्ट इन कॉर्पोरेट डेट, इक्विटीज एंड म्यूचुअल फंड। तो इस तरीके से ये लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टर के नाम पर अगर बात करें तो वी हैव वॉट, वी हैव एक हेज फंड हमारे लिए आ जाता है, दूसरा हो जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट, तीसरा हो जाता है जो हमारे एंजल इन्वेस्टर हो जाते हैं, या हमारे पास अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड आ जाता है। तो ये सारे तरीके हो जाते हैं हमारे, और ये जो भी लोग हैं उनको हम लोग बोल देते हैं क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये तरीके हो जाते हैं जो एफएटीएफ के द्वारा मंजूरी दी गई रहती है। क्लियर हो गया क्या चीज है पूरा का पूरा सिस्टम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास देखिए एक छोटा सा चीज है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा एफडीआई, एफपीआई का नाम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। कुछ खास नहीं है दोनों में अंतर। देखिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का मतलब होता है दिस इज डायरेक्ट फॉर्मेट, और दूसरा जो फॉरेन पोर्टफोलियो है दिस इज इनडायरेक्ट फॉर्मेट। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं, आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंपनी है, जैसे मान लेते हैं कि दिस इज अ सेक्टर
मोबाइल फोन सेक्टर है। अब मोबाइल फोन सेक्टर में हमारे पास नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स है, जैसे एक हमारी माइक्रोमैक्स की हो जाती है, दूसरी हमारी मान लेते हैं कि एप्पल हो जाती है, तीसरी मान लेते हैं हमारी एमआई हो जाती है, चौथी मान लेते हैं हमारी सैमसंग हो जाती है, ठीक है, और एक और ले लेते हैं मान लेते हैं लावा हो जाती है, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द मोबाइल कंपनीज। अब मान लीजिए बाहर से कोई बंदा आया फ्रीडम 19 टाइप का, ठीक है, फ्रीडम 19 कंपनी टाइप का आता है और ये कहता है कि यार मुझे भी यार मोबाइल फोन में मतलब काम करना है, तो एक ऑप्शन है, वन ऑप्शन इज ऑलवेज देयर टू कम टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अपना जो ये मोबाइल 19 है, मतलब फ्रीडम 19 है, ये मोबाइल ये लॉन्च कर दे इस मोबाइल सेक्टर में, फर्स्ट थिंग। या दूसरा ऑप्शन होता है कि यार मुझे डायरेक्टली मोबाइल नहीं लॉन्च करना है, मुझे क्या करना है, इन कंपनीज में से किसी एक कंपनी को मैं पकड़ूंगा, जैसे मैं फ्रीडम मतलब माइक्रोमैक्स को पकड़ूंगा और कहूंगा देखो यार मेरा फ्रीडम 19 फोन है, मैं आपको एक काम कर रहा हूं, पैसे दे रहा हूं, इन्वेस्ट कर रहा हूं, और एक काम करिए आप माइक्रोमैक्स के साथ फ्रीडम 19 का नाम जोड़ करके नया मोबाइल लॉन्च कर दीजिए। तो अल्टीमेटली इस बंदे का काम तो हो गया, इस बंदे को मोबाइल लॉन्च करना था, चाहे वो फ्रीडम 19 से ही केवल लॉन्च करे या फिर किसी का सहारा लेकर के करे। तो इस तरीके की दो तरीका होते हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। यहां पर जहां मोबाइल आया है, ये तो बंदा डायरेक्टली आया है, ठीक है, डायरेक्टली आया है, इसको बोलते हैं FDI, जहां पर बंदा डायरेक्ट आ रहा होता है, इन्वेस्ट कर रहा होता है, जहां पर ये कंपनी के थ्रू इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर रहा होता है उसको हम लोग, जैसे यहां पर क्या हुआ, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, दिस इज इनडायरेक्ट, खुद नहीं आ रहा है, कंपनी के थ्रू आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इसने पोर्टफोलियो खरीदा है, इसने पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है और इसने क्या किया है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये तरीका हो जाता है हमारा FDI और FPI का। क्लैरिटी आ गई दोनों में क्या अंतर है। चलिए अब FDI तो आपको पता ही चल गया है, FDI में बेसिकली अब दो तरीके होते हैं, एक तरीका होता है जो ऑटोमेटिक रूट होता है, दिस इज ऑटोमेटिक रूट, और दूसरा तरीका होता है जो अप्रूवल रूट होता है या मैनुअल रूट इसको बोलते हैं, अप्रूवल रूट। इसमें होता क्या है, ये बेसिकली एक तरीके का कह सकते हैं कि लाइसेंस है, दिस इज बेसिकली अ लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है जहां पर भी अप्रूवल रूट है इसका मतलब 100% ओपन टू FDI है, ओपन टू FDI, मतलब आप आइए, आपको कोई भी लाइसेंस वाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, आइए आराम से अपना फंड दीजिए। कई बार आपने सुना होगा डिफेंस सेक्टर या फिर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर या कहीं पर भी सेक्टर 74% ऑटोमेटिक रूट पे है, ऑटोमेटिक रूट पे है, और 26% जो होता है वो अप्रूव्ड रूट पे है। तो मतलब 76% तक की इन्वेस्टमेंट के लिए आपको कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी जिस सेक्टर में काम करेंगे उस सेक्टर में लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा, फूड के लिए काम कर रहे हैं तो FSSAI के पास से आके लोन मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, तो दैट इज डिफरेंट थिंग। बट इन्वेस्टमेंट के लिए जो आपको मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी वो लेने की जरूरत ऑटोमेटिक में नहीं है। 26% में क्या हो जाएगा, 20% मतलब कि अप्रूवल रूट, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये होता है कि आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन अगर गवर्नमेंट परमिट कर देती है तब आप बिल्कुल आ जाइए, एकदम काम करिए। जैसे INX मीडिया का केस आप लोगों ने सुना होगा जिसमें हमारे चिदंबरम साहब फंसे हुए हैं, ये INX मीडिया में सेम यही FDI का ही केस है जहां पर अप्रूवल रूट की फंड मतलब केस है, और यहां पर है मीडिया, मीडिया एज अ सोर्स, यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात कही गई है। क्लियर हो गया क्या चीज है। चलिए खैर, तो FDI आपको अच्छे से क्लैरिटी आ गई होगी अब तक। इसके बाद अब हमारे पास आ जाते हैं FPI के फॉर्मेट में। FPI देखिए दो तरीके की होती है, एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और बाकी दूसरी होती है जिसको FPI ही बोल देते हैं हम लोग। FII का मतलब ये होता है जहां पर 10 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम लोग बोलते हैं FII, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस। FPI क्या होती है, जहां पर 10 लाख से ऊपर की इन्वेस्टमेंट होती है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के बारे में देखते हैं, तो FPI जनरली पार्टिसिपेट थ्रू द स्टॉक मार्केट। देखिए ठीक है, डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं वो, उसके स्टॉक्स खरीद रहे हैं कंपनी के, इनडायरेक्टली गेटिंग इन टू द इकोनॉमी एंड गेट्स इन एंड आउट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टॉक एट अ मच फास्टर फ्रीक्वेंसी। जनरली FPIs आर डिफाइंड एज दोज हु होल्ड लेस देन 10% इन अ कंपनी, ठीक है, हालांकि यहां पर FPI का मतलब FII से लिया गया है, ठीक है। तो FII सब अकाउंट्स एंड क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट
आर मस्ट टूगेदर टू अ न्यू इन्वेस्टर क्लॉज दैट इज कॉल्ड एज एफपीआई। तो इन तीनों को मिला करके कह दिया गया है सिंगल चीज एफपीआई, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप। विद एन एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट लिमिट 24% विच कैन रेज बाय द कंपनी अप टू द एप्लीकेबल सेक्टोरल कैप, दे आर नॉट परमिटेड टू इन्वेस्ट इन अनलिस्टेड शेयर एंड ऑल्सो इन ट्रेजरी बिल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि गवर्नमेंट बॉन्ड में ये लोग शेयर नहीं कर सकते, गवर्नमेंट बॉन्ड नहीं खरीद सकते हैं, दैट इज ट्रेजरी बिल ये लोग नहीं खरीद सकते हैं, और कोई भी इक्विटी मतलब जो अनलिस्टेड है या प्राइवेट है उसको भी ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, जो भी स्टॉक्स में जो भी कह लीजिए कि लिस्टेड चीजें होती हैं या कह लीजिए जहां से गवर्नमेंट की परमिशन मिल रही होती है, केवल और केवल उन्हीं जगहों पे ये लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है पूरा जो हम लोगों ने एफपीआई के बारे में देखा। क्लियर हो गया क्या चीज है एफपीआई और एफडीआई। अब देखिए मैं कंटिन्यूअसली आप लोगों से डे वन से ही बात कर रहा हूं कि हमारी जो इकोनॉमी है, दिस इज आवर इकोनॉमी, इस इकोनॉमी में हम लोगों ने देखा कि काफी ज्यादा ये वर्चुअल इकोनॉमी हो रखी है यहां पर। अब वर्चुअल इकोनॉमी होने के कारण से ही हमेशा मार्केट फ्लक्चुएशन रहता है और बाहर हमारी जो आरबीआई सिस्टम तो है ही है। अब यहां पर मैंने कहा है कि देखिए यहां पर देयर इज अ होल एंड थ्रू दिस होल फॉरेन इन्वेस्टर कम्स इनटू पिक्चर, और ये फॉरेन इन्वेस्टर यही लोग हैं, एफडीआई के फॉर्मेट में बोलिए या एफपीआई के फॉर्मेट में बोलिए या एफआईआई के फॉर्मेट में बोलिए, ये सारे लोग यही हैं। तो जब भी इकोनॉमी ऑब्वियसली जब बूम कर रही होगी तो इन्वेस्टमेंट बड़े अच्छे से आ रहा होगा, कंपनी इकोनॉमी में पंपिंग हो रही होगी, अच्छा खासा पैसा आ रहा होगा और वर्चुअल इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो कर रही होगी। लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, जब इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन होगी। डाउन कैसे होगी, गवर्नमेंट पॉलिसीज के थ्रू हो सकती है, जैसे जीएसटी ले आ देना, डीमोनेटाइजेशन ले आ देना, या फिर टैक्स कल्चर में चेंज कर देना, तो या फिर जो होता है ऑटोमोबाइल सेक्टर को बोल देना कि रुको भाई तुम्हारा BS4 से BS6 में कन्वर्ट करना है, या फिर वॉर कंडीशन आ जाना। तो काफी ज्यादा ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसके थ्रू जो इन्वेस्टर्स होते हैं अगर उनको कॉन्फिडेंस होता है तब तो वो पंपिंग कर रहे होते हैं, अदरवाइज वो स्क्वीज कर लेते हैं। जैसे ही पैसा स्क्वीज किए, सीधी सी बात है वर्चुअल इकोनॉमी तो अभी भी उतनी की उतनी बनी हुई है, लेकिन पैसा अब कम हो गया है। पैसा कम होने के कारण से अब क्या होगा, ये वर्चुअल इकोनॉमी डगमगा जाएगी एंड देयर इज अ कंडीशन ऑफ क्राइसिस, और ये क्राइसिस सिचुएशन इस तरीके से आ जाएगी। इसीलिए कंट्री की जो भी इकोनॉमी होती है वो हर कुछ ना कुछ समय के बाद एक बार ऊपर जाती है, अगर तो देखिए नीचे भी आती है, हालांकि फिर ऊपर जाती है वो तो अलग केस है, लेकिन इस तरह की कंडीशन होती है। तो आपको एक काफी अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके से हमारा पूरा का पूरा इकोनॉमी मूव कर रहा होता है। क्लियर। अब देखिए कुछ विद प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन विद रिस्पेक्ट टू सिक्योरिटी मार्केट्स, ये क्या क्या है, तो दीज आर बेसिकली द रेगुलेटरी मेजर्स जो रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे एक होती है हमारी सेबी। अब जैसे हम लोगों ने ये बात कर रखा है कि आरबीआई ये रेगुलेट कर रखा होता है बैंकिंग एक्टिविटी को, जितने भी बैंकिंग एक्टिविटी होती है वो आरबीआई कर रहा होता है। सिमिलरली नाबार्ड होती है तो ये रूरल बैंकिंग को कर रहा होता है। सिमिलरली हाउसिंग एनएचबी होती है जो कि हाउसिंग की मतलब कि जो हाउसिंग वाली बैंक्स होती है उनको देख रहा होता है। इसी तरीके से हमारे पास होती है सेबी। सेबी क्या करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी शेयर मार्केट्स होते हैं उनको ये रेगुलेट कर रही होती है। तो सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटी मार्केट्स इन इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1988 एंड हैज गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस टू 1992। स्टैट्यूटरी स्टेटस क्या होता है, ये हम लोग जब पॉलिटी बात करेंगे तो वहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। आप अभी फिलहाल के लिए समझ लीजिए कि दिस इज अ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, ये एक पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है जिसके जरिए इनको कुछ शक्तियां कुछ पावर आ जाती हैं। तो सेबी हैज थ्री फंक्शन, वन क्वासी लेजिस्लेटिव, क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी एग्जीक्यूटिव। इसके बारे में हम लोग जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग जब पॉलिटी करेंगे तो मैं प्रॉपरली बताऊंगा कि क्वासी लेजिस्लेटिव का मतलब क्या होता है, क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है और क्वासी एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, तो हम लोग वहीं पर देखेंगे सेपरेट वीडियो में। चलिए खैर आगे बात करते हैं। तो आगे हमारे पास बताया गया रेगुलेट द वर्किंग ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरी एकॉर्ड अप्रूवल फॉर म्यूचुअल फंड एंड ऑल दैट, जितनी भी चीजें होती है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, शेयर को म्यूचुअल फंड को, साथ ही साथ पहले एक होती थी जिसको बोला जाता था फॉरवर्ड मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ये जो फॉरवर्ड मार्केट होती थी, फॉरवर्ड रेगुलेटरी मार्केट, एक्चुअली रेगुलेटरी मार्केट ये पहले क्या होती थी, ये भी एक रेगुलेटर हुआ करता था जो कमोडिटी मार्केट को रेगुलेट करता था। लेकिन क्या हुआ कि दोनों में कई बार मिसमैच होती थी सेबी और फॉरवर्ड मार्केट में,
और इन दोनों में क्लैश को देखते हुए इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। नाउ द सेबी एंड एफ आर एम ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो एक है और उसको भी अब बोला जाता है सेबी। ठीक है, तो अब सेबी का काम क्या हो गया, सेबी का काम शेयर म्यूचुअल फंड और कमोडिटी को भी अब रेगुलेट करना हो गया है। क्लियर हो गया क्या चीज है। इसके बाद देखिए एफएटीएफ के बारे में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्लियर है, ये यूएस की लिस्ट है। ठीक है, यूएस मतलब कि हालांकि G7 होता है, G7 बट यूएस ही बोल दिया जाता है। इट इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1989 ऑन द इनिशिएटिव ऑफ G7 टू डेवलप पॉलिसीज टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग। तो बेसिकली ये दो चीजों पे काम करती है, एक मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा करती है ये टेरर फाइनेंसिंग पे। ठीक है, तो जितने भी लोग टेरर फाइनेंसिंग वगैरह करते हैं उनके लिए होती है, अलग अलग लिस्ट होती है, जैसे ग्रे लिस्ट होती है, ब्लैक लिस्ट होती है, तो इस तरीके से ये चीजें हो रही होती है यहां पर। क्लियर हो गया। इन 2001 इट्स मैंडेट एक्सपेंडेड टू इंक्लूड टेररिस्ट फाइनेंसिंग, देखिए लिख दिया गया। दस एफएटीएफ सेक्रेटेरिएट इज हाउस्ड एट द ओईसीडी हेडक्वार्टर इन पेरिस, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस में है। क्लियर हो गया क्या चीज है। आगे देखिए IOSCO के बारे में है, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी जान लीजिए इसके टर्म कई बार अगर न्यूज़पेपर में देखने को मिलेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी अगर आपको आता रहेगा पहले से। तो इट इज एन एसोसिएशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट द वर्ल्ड्स सिक्योरिटी, जो संसार की सिक्योरिटी ऑफ फ्यूचर मार्केट है उसको इनका काम है रेगुलेट करना। तो मेंबर्स आर टिपिकली प्राइमरी सिक्योरिटीज एंड और फ्यूचर रेगुलेटर इन नेशंस ज्यूरिसडिक्शन और द मेन फाइनेंशियल रेगुलेटर फ्रॉम ईच कंट्री, तो हर एक कंट्री से एक बंदे चले आते हैं और फाइनली ये इसे रेगुलेट कर ले होते हैं। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा ये एक तरीके का ऐसा एक सेबी है जो संसार के सारे सिक्योरिटी और एक्सचेंज को देख रहा है। इसके अलावा होती है जिसको बोला जाता है सस्टेन्ड स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या चीज है। दे प्रोवाइड अ यूनिक हाई लेवल प्लेटफॉर्म टू एक्सप्लोर हाउ द वर्ल्ड्स एक्सचेंज कैन वर्क टूगेदर विद इन्वेस्टर्स रेगुलेटर एंड कंपनीज टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल मार्केट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं इंडिया की जो स्टॉक एक्सचेंज है BSE और NSE, इसी तरीके से हमारे पास यूएस की है जो वॉल स्ट्रीट आ जाती है वॉल स्ट्रीट, इसी तरीके से यूके फ्रांस जर्मनी इन हर एक जगहों की अपनी एक वॉल स्ट्रीट है, उसका स्टॉक एक्सचेंज है, उस स्टॉक एक्सचेंज का अपना एक एक नाम है। सिंगापुर का हो गया, सिंगापुर एक स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है इसको। तो नंबर ऑफ चीजें हैं। अब इसमें कई जगहों पे क्या है, जैसे इंडिया में रेगुलेशन काफी ज्यादा है, बहुत ही हाई रेगुलेशन है क्योंकि यहां पर सोशलिस्टिक काइंड ऑफ इकोनॉमी है। वॉल स्ट्रीट में बात करें रेगुलेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत ही कम रेगुलेशन है। इनफैक्ट 1929 का डिप्रेशन जब आया तब जाकर के तो इनपे एक रेगुलेटर बैठाया गया था, अदरवाइज ये फ्री फ्लो मार्केट मूव कर रही होती थी। तो यहां पर नंबर ऑफ चीजें हैं जिसके कारण से क्या होता है कई जगहों पर अगर कहीं पर भी अगर कुछ भी वोलेटिलिटी आती है तो इन्वेस्टर तो ऑल वर्ल्ड एक ही है, वो इंडिया में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, वो यूएस में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और वो बाकी के कंट्रीज में भी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जब भी कहीं पर भी एक जगह लॉस होगा तो ऑब्वियसली जिस बंदे को लॉस होगा वो बंदा तो एक ही है, अब वो पैसा अपना खींचना शुरू कर देगा, चाहे वो इंडिया हो चाहे यूएस हो चाहे यूके हो चाहे कहीं का भी हो। तो इस वजह से आपने देखा होगा कि इंडिया की इकोनॉमी तो बड़ी अच्छी अच्छी चल रही है लेकिन स्टॉक मार्केट फिर भी गिरना शुरू हो जाता है और बोला जाता है कि देखो यूएस में ये प्रॉब्लम आई है इसलिए उसका इफेक्ट इंडिया में अब देखने को मिल रहा है। अब आपको एक क्लैरिटी आ गई कि यूएस की मार्केट गिर रही है तो इंडिया का मार्केट क्यों अफेक्ट हो रहा है। इसी तरीके से होता है क्योंकि इन्वेस्टर तो एक ही आदमी है, वही आदमी अलग अलग जगहों पर पैसे की पूलिंग किया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए इन सारे सिस्टम को क्योंकि वर्ल्ड इज कनेक्टेड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड हो रखा है, एक जगह पे प्रॉब्लम हुई हर जगह निकल करके आएगा, तो इसलिए सारी कंट्रीज ने मिलकर के कहा कि यार हमें अपनी इकोनॉमी को बचाना पड़ेगा क्योंकि अब हमारा इकोनॉमी जैसे इन्वायरमेंट है वैसे ही इकोनॉमी भी हो गई है। तो हमें जिस तरीके से हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, सेम वैसे ही हमें सस्टेनेबल इकोनॉमी के बारे में बात करना पड़ेगा इकोनॉमी के टर्म में, और इसके लिए हमें सस्टेनेबल स्टॉक एक्सचेंज बनाना पड़ेगा। तो यहां पर होता क्या है कि सारे हर जगह की कंट्री के लोग आते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं और उसके बाद से कहते हैं कि चलो ठीक है दिस इज हाउ वी विल ट्राई टू मूव, इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया क्या चीज है। तो दिस इज हाउ दे वर्क टूगेदर विद इन्वेस्टर रेगुलेटर एंड कंपनीज टू क्रिएट मोर सस्टेनेबल कैपिटल मार्केट। दे आर डिजाइंड टू एनालाइज प्रमोट एंड फॉस्टर कम्युनिकेशन ऑन स्टॉक एक्सचेंज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड एक्टिविटीज। क्लियर हो गया क्या सिस्टम है।
तो देखिए वी आर मूविंग अहेड इन आवर इकोनॉमिक्स, और जैसे जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं वैसे वैसे अब आपको कनेक्टिविटी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। अब आप पूरी इकोनॉमी को एज ए होल देख सकते हैं, कितनी बड़ी इकोनॉमी है, कैसे हमें इस पूरे के पूरे सिस्टम को मूव कराना है, अब मजा आ भी रहा होगा आपको पढ़ने में। चलिए खैर आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट आती है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अब देखिए हालांकि इस टर्म का ईसीबी का यूज तो हम लोग करेंगे अपने जब नेक्स्ट लेक्चर आएगी उसमें, जब हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में बात कर रहे होंगे तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। लेकिन खैर यहां पर आप समझ लीजिए एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है। सपोज दिस इज अ कंपनी, मान लेते हैं कोई कंपनी है, इस कंपनी को पैसे चाहिए, सपोज पैसे चाहिए। एक ऑप्शन है बैंक के पास जाएगा, लेकिन बैंक वाला कह देगा हम नहीं दे पाएंगे, पैसा बड़ा दिक्कत चल रहा है। गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट कहेगा हम तो वैसे ही हमारे पास पैसा नहीं रहता यार क्या करें। तीसरा हो सकता है कि ये जाएगा किसके पास, एंजल इन्वेस्टर्स के पास में, एंजल इन्वेस्टर के पास या वेंचर कैपिटलिस्ट के पास। ये लोग कह देंगे तुम्हारा आइडिया बढ़िया नहीं है, हम नहीं देंगे तुमको पैसा। अब इनके पास लास्ट ऑप्शन होता है कि बाहर किसी एक बंदे को पकड़े और उसको बोले कि भैया यार तुम ही पैसा दे दो यार, जो कहोगे वो करेंगे तुम्हारे लिए। इस तरीके की चीजों को बोला है कि आउटर मोस्ट, मतलब कि बाहर से हम लोग पैसे की पूलिंग करवा रहे हैं, और इस तरीके की चीजों को बोला था एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग। कॉमर्शियल बोरोइंग, ये बोरोइंग हो सकती है फ्रांस के तरफ से, जर्मनी के तरफ से, यूएस, यूके, जापान, कहीं से भी हो सकती है, और ये लोन के फॉर्मेट में होती है। दिस इज बेसिकली अ लोन, ठीक है। इनफैक्ट यहां पर जो रिमिटांस आते हैं, जो भी हमारे फॉरेन के जो भी इंडियन बंधु हैं और बाहर रह रहे हैं वो लोग भी जो रिमिटांस दे रहे होते हैं वो भी एक तरीके से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के रूप में ही इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर आता है। हालांकि वो लोग लोन के रूप में इंटरेस्ट नहीं चुका रहे होते हैं, बट इट इज अ लायबिलिटी ओवर द गवर्नमेंट। क्लियर हो गया क्या चीज है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? तो एक तरीके से बाहर के बंदे से लोन लिया जाना ही एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाता है। इसी भी आर लोन्स इन इंडिया, देखिए पहले ही टर्म में लिख दिया है, इट इज मेड बाई नॉन रेजिडेंट लेंडर इन फॉरेन करेंसी टू इंडियन बोरोवर, दे आर यूज वाइडली इन इंडिया टू फैसिलिटेट एक्सेस टू फॉरेन मनी बाई इंडियन कॉर्पोरेशन एंड पीएसयूज। क्लियर हो गया क्या चीज है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड आरबीआई रेगुलेट द अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रेज्ड बाई द प्लेयर्स अंडर दिस मैकेनिज्म। क्लियर? इट कैन बी रेज थ्रू टू रूट्स, दो तरीके से होते हैं। एक होती है जहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा और जहां पे परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, तो अप्रूवल में परमिशन लेना पड़ेगा, ऑटोमेटिक में नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि एफडीआई और एफपीआई के केस में हम लोगों ने देखा था, सेम वही चीज यहां पर भी हो जा रही होती है। अच्छा एक क्वेश्चन ये उठता है, क्या एफडीआई एफपीआई इज इट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग? बताइए, चलिए आप लोग बताइएगा अपने समझ बूझ के तरीके से, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग एफडीआई एफपीआई को भी इंक्लूड करता है या नहीं करता है, विद योर आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट मतलब रीजन भी बताना है क्यों, ठीक है, यस नो नहीं। द फॉर्मर डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फॉर अथॉरिटीज व्हाइल द लेटर डज, तो खैर ये तो पता ही चल गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। अब देखिए कुछ स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री के बारे में यहां पर बात किया हुआ है कि क्या चीज है। तो ये बेसिकली हालांकि कुछ खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बट ठीक है हमारे कंप्लीशन के लिए कि हाँ ठीक है हम लोग सब कुछ पढ़ लिए हैं तो इसको आप मतलब रख लीजिएगा क्या चीज है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडिंग इन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज टेक प्लेस ऑन टू, क्या, बीएससी और एनएससी, दो तरीके हैं। बीएससी को 1875 में ही एग्जिस्ट कर दिया गया था, हालांकि जो है इसको बाद में रेगुलेट किया गया था 1986 में, और उसके बाद से इस तरीके से हमारी जो बीएससी है वो काम कर रही होती है। उस समय जो हमारे पास इंडेक्स हुआ करता था उसको बुलाता था एसएनपी बीएससी सेंसेक्स, ठीक है, इंडियाज मोस्ट वाइडली ट्रेड बेंचमार्क इंडेक्स, तो इस तरीके से काम करता है। तो सेंसेक्स इज बेसिकली व्हाट, सेंसेक्स इज बेसिकली सेंसिटिव इंडेक्स इसको बुलाता है, सेंसिटिव इंडेक्स। ये जो सेंसिटिव इंडेक्स है, हालांकि मैंने इसको इकोनॉमिक सर्वे में काफी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं यहां पर आपको एक आइडिया दे देता हूं, बाकी आप लोग इकोनॉमिक सर्वे वाले वीडियो में जाकर के वापस से देख लीजिएगा क्या चीज है। देखिए सेंसेक्स का मतलब ये होता है कि यहां पर कुछ 50 कंपनीज का ग्रुप होता है, एक्चुअल में बीएससी में 30 कंपनी का ग्रुप होता है, 30 कंपनी का एक ग्रुप होता है जो टॉप कंपनीज होती है, मतलब जिनके सेल जो शेयर्स होते हैं वो काफी अच्छे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो जब तक हमने अपनी इकोनॉमी को प्राइवेटाइज, मतलब कि हमारी इकोनॉमी जो एलपीजी रिफॉर्म से पहले के बारे में बात करें, तो ये एक तरीके से जो कंपनी थी वो फिक्स टाइप की हो गई थी कि कौन हमारे सेंसिटिव इंडेक्स को डिफाइन करेगा।
लेकिन एलपीजी के बाद से काफी ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट हो गई क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर भी काफी ग्रो कर गया था और इस तरीके से यहां पर अब वोलेटिलिटी आना शुरू हो गई थी और हमारा जो ये सेंसिटिव इंडेक्स है ये कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। तो इस तरीके से बियर और बुल सिस्टम होते ही रहते हैं। अभी इस बियर बुल सिस्टम के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इट इज, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लग गया होगा बेसिकली क्या चीज है। द एनएससी ऑन द अदर हैंड हैड फाउंडेड इन 1992, ये नया है और एनएससी में चलती है निफ्टी। निफ्टी निफ्टी इज ऑल्सो सेम एज सेंसिटिव इंडेक्स, सेम है यहां पर भी, लेकिन यहां पर 50 कंपनीज के शेयर ले लिए जाते हैं। तो ये भी अगेन क्या है, जो टॉप मोस्ट कंपनीज है जिनके शेयर काफी अच्छे होते हैं उनको बुलाता है निफ्टी, तो बड़ी बात होती है, ठीक है। चलिए खैर, इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग इन 1994। एसएनपी क्रिसल एनएससी इंडेक्स 50 एंड एसएसपी जो एसएनपी सीएनएक्स निफ्टी, इतना आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये सब शेयर मार्केट वाले लोग ज्यादा देख रहे होते हैं। बस आपको एक देखिए आइडिया जरूर होना चाहिए अपने इस एग्जाम के लिए, आता हो चाहे नहीं आता हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैड डेवलप्ड एंड लॉन्च द एनएससी मिबोर एंड मिबिड, जो कि ओवरनाइट मनी मार्केट के बेसिस, मतलब कि जब भी इनको लोन वगैरह लेना होता है तो लोन के लिए इनका इंटरेस्ट रेट कहां से मतलब तैयार किया जाएगा, तो इनका इंटरेस्ट होता है मिबोर और मिबिड के थ्रू, मिबोर और मिबिड के थ्रू। ये मिबोर मिबिड लिबोर एक होता है जो लंदन एक स्टॉक एक्सचेंज होती है, तो इसके जरिए ये लोग लोन डिफाइन कर रहे होते हैं। तो देखिए ये आपको हालांकि कुछ खास यहां पर भी देखिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, दिस इज अगेन आउट ऑफ सिलेबस। बस आप ये ध्यान रखिए इंटरेस्ट रेट डिफाइन करने के लिए मिबोर मिबिड और लिबोर यही लोग डिसाइड कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया, चलिए खैर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल मार्केट। इंडिया में पहली इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज खोली गई गुजरात में 2017 में। उस समय का करंट अफेयर्स था, आज हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आपके नॉलेज के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है कि गुजरात में हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जो इंटरनेशनली फंक्शन करता है। इसके अलावा एक होती है जिसको डीम्यूचुअलाइजेशन बोलते हैं। डीम्यूचुअलाइजेशन का मतलब कुछ नहीं है, पहले क्या होता था जब भी शेयर मार्केट में काम कर रहे होते थे तो मान लीजिए कि ये बंदा है, इस बंदे ने शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदने में क्या होता था कि जो कंपनी होती थी वो शेयर के जो भी पेपर्स वगैरह है वो पेपर्स भेजती थी, तो इस तरीके से पेपर्स को इधर से उधर उधर से इधर करने में एक तो काफी पैसा खर्च हो जाता था, दूसरा इस पेपर के भी लॉस्ट होने के काफी ज्यादा चांसेस हुआ करते थे। तो कंपनी ने क्या कर दिया, डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया। तो जब डिजिटल फॉर्मेट में कर दिया तो बेसिकली यहां पर तीन प्लेयर इन्वॉल्व हो गए। फर्स्ट प्लेयर कौन हो गया, जो बंदा खुद है जो खरीदना बेचना चाहता है, ही इज द कंज्यूमर एक तरीके से कह सकते हैं, तो ये कंज्यूमर हो गया। दूसरा बंदा हो गया जिसको बोला जाता है ब्रोकर, जिसके थ्रू सेलिंग होगी। और तीसरा बंदा हो गया जो कंपनी का है, जिसके पास में पेपर्स है, तो इनके बीच में आपस में एक्सचेंज होती रहती है और ये हो जाती है, इसी को बोला गया है डी म्यूचुअलाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग। क्लियर, ओनरशिप मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग इज इन द हैंड ऑफ थ्री डिफरेंट सेट ऑफ पीपल। द कंसेप्ट वॉज फर्स्ट ब्रॉड बाई एनएससी इंडिया, ठीक है। तो ये हो जाती है डी म्यूचुअलाइजेशन का मतलब, ज्यादा कुछ खास नहीं है, जस्ट एक टर्म है, तो आप भी जानते रहिए टर्म का मतलब क्या है। अब जैसे देखिए हमारे पास एसएमई बीएससी एनएससी इमर्ज, ये क्या चीज है। एसएमई का मतलब है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू इनेबल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज टू रेज फंड्स एंड गेट लिस्टेड ऑन पब्लिक एंटिटीज। तो एसएमई जो चीज होती है वो छोटी छोटी कंपनीज को लिस्ट करने के लिए होता है। अगेन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया क्या चीज है, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आती है हमारी कमोडिटी एक्सचेंज, मोस्ट वोलेटाइल मार्केट। इसमें इन्वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए, बहुत मुश्किल हालात होते हैं, हालांकि जो होता है फायदा भी उतना ही ज्यादा होता है। और हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था जितना बढ़िया इन्वेस्टमेंट उतना बढ़िया प्रॉफिट, मतलब कि जितना बढ़िया रिस्क उतना बढ़िया प्रॉफिट, यूपीएससी एग्जाम। चलिए खैर, इट इज एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी एक्सचेंज बेस्ड इन इंडिया। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2003 एंड इट इज बेस्ड इन मुंबई। कमोडिटी ट्रेडेड इंक्लूड किस किस में ट्रेड होती है, मेटल में होती है, बुलियंस में होती है, एग्रो कमोडिटीज में होती है, एनर्जी में होती है, इस तरीके की चीजें होती हैं। आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जानते रहिए क्या चीज है। और अभी मैंने आप लोग को बताया कि फॉरवर्ड मार्केट कमीशन जो है ये रेगुलेट करता था पहले कमोडिटी को, हालांकि इसको मर्ज कर दिया गया 2015 में सेबी के साथ, तो अब जो रेगुलेशन है वो सेबी के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर हो गया सारा। अब देखिए हमारे पास कुछ टर्म्स वगैरह हैं, टर्म्स वगैरह के बारे में देख लेते हैं फटाफट एंड वी आर एंडिंग दिस चैप्टर, ठीक है। चलिए खैर, एक छोटा सा टर्म होता है इसको बियर बोला जाता है। बियर का मतलब होता है जब मार्केट गिरना शुरू हो जाता है, तो जब मार्केट गिर रही है इसको हम लोग बोलेंगे बियर।
दूसरा बुल, बुल का मतलब जब मार्केट अप हो रही होती है। तो आप लोगों ने शेयर मार्केट के जब भी मुंबई वाली फोटो देखी होगी, एक बुल और बियर की फोटो जरूर देखी होगी। तो बुल तो खैर वहां पर पुतला बना के रखा गया है, बियर तो खैर नहीं है। बियर कोई भी बंदा जो होता है वो लॉस थोड़ी ना अपने आप को दिखाना चाहता है। इसके बाद बियर मार्केट, जब वही सस्टेन पीरियड, जब एक लंबे समय के लिए स्टॉक प्राइस गिरना शुरू हो जाती है तो उसको बोलते हैं बियर मार्केट। सिमिलरली बुल मार्केट हो जाती है जहां पर अगेन जो मार्केट होती है वो अप हो रही होती है। गिल्ट का मतलब होता है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में हम लोग बात करना शुरू कर देंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे गिल्ट। जैसा कि हम लोगों ने बात ही किया था जी सिक्योरिटीज या फिर गिल्ट एज सिक्योरिटी, ये हम लोगों ने बात ही किया हुआ है। क्लियर हो गया क्या चीज है इसके बारे में? चलिए नेक्स्ट है ब्लू चिप कंपनीज। देखिए कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो बहुत तगड़ा प्रॉफिट कमा रही होती है, उन कंपनीज को बोला जाता है ब्लू चिप कंपनीज। जैसे ONGC हो गई, IOCL हो गई, BPCL हो गई, ये ऐसी कंपनीज है जो ब्लू चिप कंपनीज है। मतलब इनके शेयर जो है वो मोस्ट वैल्यूएबल है, बहुत ज्यादा ही प्रॉफिटेबल है। क्लियर। रिटेल इन्वेस्टर क्या होते हैं? जो छोटी छोटी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जैसे जब भी सब्सक्रिप्शन सिक्योरिटीज में करते हैं लेस देन 2 लाख, उनको बोलते हैं रिटेल इन्वेस्टर। बाकी निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम क्या होती है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर फैसिलिटेटिंग डीलिंग इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। तो अगेन कुछ खास है नहीं, इसको आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। मार्केट कैप क्या होती है? मार्केट की कैपिटलाइजेशन करना, मतलब कि मार्केट में फंडिंग करवाना अलग अलग तरीके से। इट इज द प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। तो ये होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। जैसे मान लीजिए कि किसी का शेयर का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है, और ये टोटल नंबर मान लेते हैं कि 10 है, तो अब ये टोटल बन गया इसका 1000 रुपीज, इसकी मार्केट कैप बन गई है। ठीक है, इसको मार्केट कैप ऐसे बोल देते हैं। अगर मान लेते हैं कि जो शेयर्स हैं वो कम हो गए हैं, नाउ द प्राइस हैज टू इंक्रीज। अब प्राइस इंक्रीज करके कैसे कर दिया जाएगा? प्राइस इंक्रीज करके इसकी 105 कर दी जाएगी। 105 इंक्रीज करने के बाद ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारी 840। ठीक है, तो वी ट्राई टू मेंटेन कि जो मार्केट कैप है ये लॉस नहीं होना चाहिए। इस मार्केट कैप को हमेशा एक मेंटेन बना के चला जाता है, एक मतलब एक तरीके से कह लीजिए प्राइस डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारे स्टॉक्स का। तो ये तरीका अपना दिया जाता है मार्केट कैप का, हालांकि अगेन नॉट इंपॉर्टेंट मच। अगेन देखिए डिपॉजिटरी क्या होती है? कुछ नहीं होता है, जहां पर शेयर डिबेंचर्स ये सब रखे जाते हैं वही हो जाती है हमारी डिपॉजिटरी, जिसको मॉनिटर किया जाता है। तो इट होल्ड्स सिक्योरिटी, ये होल्ड कर रही है इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। नेशनल डिपॉजिटरी, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, इट होल्ड सिक्योरिटीज इन डिपॉजिटरी अकाउंट जस्ट लाइक फंड्स इन बैंक एंड अकाउंट। तो बस आप समझ ही गए क्या चीज है। बाकी ये जो होता है 1996 में ये एक्ट आया था, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है अगेन। ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। देखिए कभी भी आप जब भी पढ़ा करिए तो एक छोटा सा मैं आइडिया दे देता हूं कि केवल बुकिश नॉलेज आपको नहीं पढ़ना है, बुकिश नॉलेज मत रखिए। यूपीएससी एग्जाम प्रैक्टिकल एग्जाम है, ठीक है, मतलब आप अगर बुकिश रहेंगे 100% आप फेल हो जाएंगे, अगर आप भाग्य के धनी नहीं है तो। अब प्रैक्टिकल अगर रहेंगे तो बस सही है, कर्म के बदले भाग्य को तो बदला ही जा सकता है। चलिए खैर, इसके बाद हमारे पास छोटी छोटी चीजें और भी हैं। एक और है जैसे नस्डाक बोला जाता है, तो इट इज इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक मार्केट दैट यूजेस अ कंप्यूटराइज सिस्टम टू प्रोवाइड प्राइस कोड्स टू ब्रोकर एंड डीलर। तो उसको बोल देते हैं नस्डाक बेसिकली, एक तरीके से कह सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, और दूसरी होती है जिसको बोला जाता है शरिया ट्रेडिंग। जैसे क्या होता है शरिया जो होती है, शरिया में जैसे क्या है कि हमारे शरिया लॉ में बोला गया है कि जो भी अल्कोहल हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, टोबैको हो गया, पोर्क हो गया, इन सबको हराम माना गया है। तो सिमिलरली यहां पर भी सेम वही चीज है कि जो भी कंपनीज इसमें इन्वेस्ट नहीं करती है उन लोगों की स्टॉकिंग, उन लोगों में जो इन्वेस्टमेंट होती है उसको बोलाता है शरिया इंडेक्स। तो निफ्टी शरिया इंडेक्स आर डिजाइन टू ऑफर इन्वेस्टर्स शरिया कंप्लायंट इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। तो ये चीज हो जाती है हमारी शरिया इंडेक्स के बारे में। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये थी हमारी पूरी की पूरी फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। वी विल मीट अप इन 2 PM क्लास, वहां पर हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो भी इससे रिलेटेड होगी। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उसको आप लोग ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहां से रेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मिलते हैं अपने 2 बजे के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।